अगर मालवा जिले के नलखेड़ा में क्षेत्रीय समाज द्वारा अपने आराध्य देव महाराज अजमेर की जयंती पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर समाजजनों द्वारा श्री महावीर जी के चित्र पर पूजन की आरती की गई। नलखेड़ा नगर में स्वर्णकार समाजजनों के द्वारा श्री अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई गई है, जिसमें चल समारोह निकाला गया। उसके बाद में सभी समाजजनों का सहभोज का कार्यक्रम रखा गया है। आगामी कार्यक्रम स्वर्णकार समाजजनों का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है, जिसमें 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक का कार्यक्रम रहेगा। 10 नवंबर से 16 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण एवं 18 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है। सब बरेली में 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। लंबे समय से पुलिस बदमाश की तलाश थी। बदमाश के मुकदमों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। रामपुर के पटवाई में गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सिख बिरादरी ने सुंदर झांकियां निकाली। क्या नाम आपका? गुरजीत सिंह जी। सर, आज ही प्रोग्राम कराया गया है क्या? क्या मामला है? आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो रामपुर से स्टार्ट हुआ है। गुरु नानक देव जी का 550 साल जन्मदिन और रेटगंज नारायणपुर होते हुए पटवाई पहुंचा है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करा सारे क्षेत्रवासियों को। बहराइच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कल रुपेटिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुपेटिया पुलिस और एसएसपी की टीम जब रोडवेज। बदायूं नगर दादागंज कोतवाली में उप जिला अधिकारी वैसियों की अध्यक्षता में कोतवाली प्रभारी नगर में लगने आगामी त्योहार को लेकर मीटिंग की। वहीं मीटिंग में क्षेत्र व नगर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा व्यापारी, समाज सेवी, उद्योगपति उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में रविवार को अवैध रूप से गिलास फैक्ट्री चल रही। यहां पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों के मालिक जबरदस्ती रविवार के दिन भी काम से काम करवाते हैं। और हमारा कोई माल के नाम दे देता है, कोई नहीं देता है और किसी ने आज तक दी ही नहीं। ये लोग मिठाई का डब्बा तक नहीं देना चाहते श्रमिक को। क्या इनके घर ये त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है लोगों को? मनोज काम लगाया गया था नहीं थी एक्चुअली त्योहार की वजह से लेबर ने हमें प्रेस किया। क्या नाम है भाई? क्या नाम है मेरा? क्या समस्या है? यूनियन का नाम है उत्तर प्रदेश कांच उद्योग श्रमिक यूनियन जी। जब इन श्रमिकों ने इनकी लड़ाई लगभग 9 बजे के आसपास हुई है, तो मेरे को लगभग खबर मिली थी 1 या 1.5 बजे के आसपास। मैं यहाँ पे आया तो श्रमिकों से बात की, मैंने कहा है कि मालिक से बात करो, मालिक लोग क्या कहते हैं इस चीज के लिए। उसमें तो, था मालिक ने आश्वासन दे दिया था कि खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के, जहां पर थाना गलशीहित क्षेत्र में डकैती को घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और वहीं एक घायल हो गया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया जिले की जनता को संबोधित किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस भंडारा गोंदिया जिले की जनता भाजपा और यूपी के उम्मीदवारों को ही वोट दे।